तो यहाँ पे देखिए एडवेंचर किया जा रहा है, एडवेंचर। यहाँ जाना है गाइस, यहाँ पे ऊपर जाने वाली बात हो रही है, चलना है। अबे तेज, तो यहाँ पे देखिए एडवेंचर किया जा रहा है, एडवेंचर। मैं कह रहा हूँ गॉड। तो गाइस देखा आपने, मतलब कैसे करके आया यार, कैमरा चल रहा था ना यार। ये एडवेंचर तो याद रहेगा कदम से यार मेरी। गाइस आपको दिखा देता हूँ एक बार, वैसे भी इंटरेस्ट तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जो लोकेशन है कहाँ से हम आए थे ऊपर, और काफ़ी बढ़िया हिल। मतलब मैं तो एक बार को कह रहा था भाई ये तो गाड़ी अटक गई, उन्होंने पीछे से धक्का लगाया तब जाके ऊपर आई गाड़ी। तो मैं ये पूरा देख रहे हो, पूरा हम वहाँ नीचे से ऊपर ही पूरा ऑफ रोडिंग करके आ रहा रास्ता, होप आपने देखा होगा। और आज की जो संडे की एडवेंचर राइड है, मज़ा आ गया। अभी हमें ऊपर पहाड़ों में जाना है, तो देखते हैं कहाँ तक चलती है गाड़ी हमारी। तो यहाँ से आप व्यू देख लो एक बार, क्या व्यू है यहाँ से। सो गाइस मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, कितना बढ़िया बढ़िया व्यू है। चले वो आगे ना, बाकी तो आ रहे हैं। ये है व्यू, आपको दिख रहा होगा नीचे, देख रहे हो बाकी काफी सारे बाइकर्स हैं।
ये राइड कर रहे हैं और ये जो व्यू है ना काफ़ी मतलब दिल खुश व्यू है, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करके। दिख रहा होगा आपको, वाओ बड़ा लोकेशन। यहाँ खड़ी है अपने दिल दोबा जो कि ट्रैकनी से ऊपर आ रही है। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या और व्यू हमें मिलेंगे देखने के लिए। तो गाइस मेरे ना हाथ में भी कांटा लगा यार। तो काफी अच्छा पैच है जिसमें आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी ऑफ रोडिंग की। तो हम अपनी स्पोर्ट बाइक को भी ऑफ रोडिंग की तरह ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो गाइस वो कांटा चुभा था, यहाँ पे कांटे से लग गया यार। चलिए हम चलते हैं आगे। जा रहे हैं लोकेशन में, मुंह पे चुभ रहे थे पर मजा आया भाई ऊपर चढ़ा। ये देख रहे हैं आप कांटे से लग गया और लोकेशन देख रहे हो क्या बढ़िया लोकेशन है। होप कैमरा मेरा चल रहा होगा, देखते हैं एक बार। यस कैमरा चल रहा है मेरा। सो गाइस अच्छे खासा मतलब कि अभी हमने ऑफ रोडिंग किया है, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको देख के। सो गाइस अभी हम पहुंच गए यहाँ पे इस लोकेशन पे और काफ़ी ही अच्छी लोकेशन है ये, मतलब
मज़ा है, लेकिन अगर सुबह सुबह आते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि सुबह में जो इधर मज़ा आता ना, अभी तो क्या है थोड़ी धूप भी लग रही है, तो इस चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि सुबह आते तो बढ़िया होता। बाकी लुके व्यू जो आपने देखा है जब हम ऊपर आ रहे थे तो पसंद आया होगा आपको ये व्यू, और उसके साथ ही थोड़ी सी मेरी लग गई थी हाथ में, मतलब उंगली में कांटा, जो बीच में से हम निकल रहे थे ना वहाँ पे पेड़ थे कांटे वाले, बबूल बता दें कौन से वाले पेड़ के कांटे थे, तो वो लग गया था हाथ में, और मेरी KTM इतनी ऊपर आ गई, तो यार मेरी KTM ने काफ़ी साथ दिया। ये ऑफ रोडिंग है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, मैं काफ़ी बचा के चला, क्योंकि नीचे इसका जो नीचे का जो अंडरबेली होता है ना उसे वो टूटने का डर है। बाकी अब उतारूंगा मैं अच्छे से प्यार से, एकदम जैसे प्यार से मैं रखता हूँ अपनी बाइक को। बाकी अब देखते हैं, यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं फ़ोटोशूट वगैरह करवा के, देन उसके बाद दोबारा मिलते हैं आपको बहुत जल्द। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना, बताना कम वीडियो कैसी लगी, इतने सारे एफर्ट अभी ऑफ रोडिंग वगैरह कैसी लगी है, तो कमेंट करके ज़रूर जाना। बाकी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और अच्छे व्यू। सो आगे चलना है, आगे की साइड में बता रहे हैं कुछ लोकेशन है। बाकी बाइकें जो हैं पीछे हमने लगा दी है, देख रहा होगा लॉक वगैरह सब कर दिए, हेलमेट वगैरह सारे हमने हाथ पे लेके चल रहे हैं, और जो जाऊँ तो यहाँ पे कांटे वाले पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ से आपको नीचे का पूरा व्यू दिख रहा होगा बढ़िया एकदम, देख रहे हो ये है व्यू, काफ़ी प्यारा व्यू। और भाई थक तो काफ़ी गए हैं, लेकिन मज़े दिलाने हैं आपको पूरी वीडियो में, तो चल रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। बाकी आपको आप ये देखो व्यू दिख रहा है, तो ये है छोटी सी लेक, तो ये कमल के जो फूल खिलते हैं इन्हीं पे खिलते हैं, ये झील है एक छोटी सी, यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं यहाँ पे। भाई कैसी ना भाई, नहीं खाऊं कैसा लग रहा है भाई। तो ये लेक है यहाँ पे छोटी, अभी छोटी हमें दिखने में लग रही है, पता नहीं क्या पता बड़ी हो, अंदर क्या करोगे या एक काम करो अभी कहीं और घूमना है, क्या बोलते हैं भाई इस जगह को, पंडारा हिल भाई, ये पंडाला तो भाई ये है पंडाला हिल। तो गाइस निकल रहे हैं अब नीचे के लिए, देखते हैं अब नीचे उतरने में क्या होता है, ऊपर तो आ गए अच्छे से, बस अच्छे से उतर जाए बिना गिरे हुए, प्यार से उतारेंगे।